अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। दोस्तों, अलंकार का ये पांचवा वीडियो है। बाकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हम अच्छे से परिभाषा समझेंगे और इसकी किस प्रकार पहचान की जाती है हम उसको उदाहरण से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो अर्थालंकार का एक प्रकार है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा आप समझ जाओगे तो आपको उदाहरण समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब किसी बात का वर्णन बहुत, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तब वह अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ये था परिभाषा, मैं आपको फिर से समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, जब किसी भी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, लेखक जो होता है कविता लिखता है, कविता में किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु का जब वर्णन करता है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको उदाहरण से समझने में कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। दोस्तों, इसको पहचानने से पहले आपको कविता का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जब आप कविता का अर्थ समझ जाएंगे तो आपको पहचान बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इसका मतलब क्या है, हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले क्या हो गई, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे लेखक क्या बता रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका क्या हो गई, जर गई। समझ में आ गया, लंका क्या होती है, पहले ही जल जाती है। मतलब कि हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी थी, उससे पहले ही लंका जल जाती है और सारे निशाचर भाग जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, पूंछ में आग लगने से पहले लंका जल सकती है क्या, नहीं जल सकती है। लेकिन यहाँ पे लेखक क्या कर रहा है इस कविता में, वो बढ़ा चढ़ा के हनुमान जी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा अलंकार हो गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप समझिए, आपको और अच्छे से समझ में आ गया। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे आपको मालूम है राणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, उसके बारे में यहाँ पे लेखक, चेतक के बारे में लेखक बता रहा है। यहाँ पे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, जब राणा प्रताप जा रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, ऐसा लेखक बता रहे हैं, बहुत बड़ी नदी थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी राणा प्रताप घोड़ा लेके जा रहे थे और उनके सामने बहुत बड़ी नदी आ जाती है, तो घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, ये राणा प्रताप सोच रहे थे। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब कि यहाँ पे राणा प्रताप के सोचने से पहले ही क्या होती है, घोड़ा जो है नदी पार कर दिया था, ऐसा यहाँ पे कविता में लेखक बता रहा है। मतलब लेखक जो है चेतक के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, इसीलिए कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया रहेगा। तीसरा हम उदाहरण समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा उदाहरण देख लो, देख लो साकेत नगरी है यही। यहाँ पे लेखक साकेत नगरी की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है, बता रहा है। देख लो, यहाँ पे क्या कर रहा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत नगरी क्या है दोस्तों, साकेत नगरी एक शहर का नाम है। एक शहर क्या स्वर्ग में मिलने, गगन यानी कि आसमान में जा सकती है, कोई एक शहर है पर्टिकुलर, वो शहर क्या आसमान में जाके स्वर्ग से मिल सकती है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन क्या लेखक क्या कर रहा है, साकेत की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का एक ही पहचान है, इसमें लेखक क्या करता है, उस कविता में किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, चौथा, लहरें व्योम चूमती उठती। यहाँ पे लेखक जो है लहरों के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखिए, लहरें जो समुद्र की लहरें होती हैं, व्योम व्योम यानी कि आसमान, चूमती यानी कि छूती,
यहाँ पे लेखक इस लाइन में क्या कह रहा है, जो लहरें हैं आसमान को छूती उठ रही हैं। ऐसा हो सकता है एक लहरें आसमान को छू सकती है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लेखक जो है लहरों के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए कृपया मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।